बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कौसर, आपकी फैमिली फिजिशियन, हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड के बारे में बहुत सारे सवालात जो हैं वो आते हैं। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं उसको दूर करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कितनी बार अल्ट्रासाउंड होना चाहिए और कब कब होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो हमारे बेबी को कोई हार्म पहुंचाएगा, तो उनके लिए ये ज़रूरी है जानना कि अल्ट्रासाउंड जो है वो साउंड की वेव्स होती हैं, यानी आवाज़ की लहरें। ये एक्सरेज की तरह, इसमें से कोई श्वाएँ नहीं निकलती। और जो जैसा कि आप लोग देखते हैं, अक्सर आप लोग क्लिनिक पर जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड की एक मशीन होती है, साथ उसके तार लगी होती है, उसके बाद एक प्रोब आ रही होती है। जो मशीन है वो साउंड वेव्स जनरेट करती है और वो जो है ये वाली वेव्स प्रोब के ज़रिए बॉडी के पार्ट्स को जब टकराती हैं, वापस जाके स्क्रीन पर एक इमेज बनाती हैं। तो इससे बेबी को किसी किस्म का कोई हार्म नहीं होता। और इसके अलावा बहुत सारी रिसर्चेस आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि अल्ट्रासाउंड से लॉन्ग टर्म कोई ऐसा हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। तो उम्मीद है ये कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी होगी। दूसरा ये कुछ लोगों के जहन में होता है कि जी अगर हम अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो हमें बड़ी दर्द होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्ट्रासाउंड सिर्फ एक जेल होती है जो कि बॉडी पार्ट्स के ऊपर लगाई जाती है और उसके बाद प्रोब को ऊपर रखा जाता है। इससे किसी किस्म की कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। तो उम्मीद है आप अल्ट्रासाउंड करवाते वक्त आप डरेंगे नहीं। तो अब आते हैं कि अल्ट्रासाउंड कितनी दफ़ा होना चाहिए। नॉर्मल प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड जो है वो 3 से 4 दफ़ा होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर ज़्यादा दफ़ा रिक्वायर्ड हो, वो किन कंडीशंस में, किसी को जो है अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, किसी को शुगर का मसला है, बेबी की ग्रोथ नहीं हुई, या प्लेसेंटा की पोजीशन चेक करने के लिए, या लाइकर कम या ज़्यादा है, या ट्विन प्रेगनेंसी है, तो इस सूरतों में आपकी डॉक्टर जो है वो आपको ज़्यादा दफ़ा अल्ट्रासाउंड के लिए बुला सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं कि अब किस किस टाइम आपकी अल्ट्रासाउंड होनी प्रेगनेंसी में ज़रूरी है। सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड होती है वो 4 to 8 वीक्स में होती है, यानी इसको बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में करते हैं और इसको डेटिंग स्कैन कहते हैं। इसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी देखी जाती है कि वायबल है, यानी बेबी जो है उसके अंदर कार्डियक फ्लिकर आ रहा है कि नहीं, और जो जेस्टेशनल एज है वो कितनी है, और एक सेक है या ट्विन प्रेगनेंसी है, ये भी इसमें देखा जाता है। सेकंड जो अल्ट्रासाउंड होती है वो 11 टू 13 वीक्स पे होती है। ये जेस्टेशनल एज देखने के लिए बेस्ट टाइम है, यानी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको भूला होता है कि भाई उनकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट क्या है, और कुछ लोग वैसे कन्फ्यूजन होती है कि ये डेट थी या नहीं थी। तो इस अल्ट्रासाउंड में जो आपकी बेबी की जेस्टेशनल एज आएगी उसको आप संभाल के रखें, ताकि आइंदा आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए कन्फ्यूज ना हो। इसके अलावा फिटल हार्ट साउंड्स देखे जाते हैं और लाइकर देखा जाता है, और अगर कुछ लोग चाहें तो यूट्राइन ब्लड फ्लो जो है ना वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो अल्ट्रासाउंड है वो 18 से 20 वीक्स में होती है, इसको एनोमली स्कैन कहते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है, इसको आपने मिस नहीं करना। वो इसलिए कि ये अल्ट्रासाउंड जो है वो उसमें बेबी का एक डिटेल मुआयना किया जाता है। 18 से 20 वीक्स इसलिए कि बेबी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इस पीरियड में बन चुके होते हैं,
नेक्स्ट जो टाइम पीरियड होगा उसमें इन ऑर्गन्स ने ग्रो करना है, नए ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, इसलिए इस स्टेज पे बेबी का डिटेल मुआयना किया जाता है। उसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई डिफेक्ट हो तो उसका भी बर वक्त ट्रीटमेंट किया जा सके। तो क्या देखा जाता है जी, इसमें फुल आर्म्स और लेग्स जो है उसकी बोन्स हैं, पूरे हाथों की उंगलियां हैं, कितनी उंगलियां हैं, सही हैं कि नहीं। इसके बाद जो है बेबी का जो फेस है उसके आईबॉल्स बन गए हैं, नेजल बोन बन गई है कि नहीं, कोई क्लेफ्ट लिप या पैलेट तो नहीं है, और ब्रेन की डेवलपमेंट सही हुई है, स्कल बोन ठीक है, स्पाइन जो है वो पूरा प्रॉपरली क्लोज हो गया है, कोई उसमें डिफेक्ट तो नहीं रह गया, और इसी तरह से एब्डोमिनल वॉल जो है वो बंद हो गई है, और उसके अंदर ऑर्गन्स देखे जाते हैं, मसलन हार्ट है, डायफ्राम है, किडनीज हैं, ब्लैडर है, ये सब चीज़ देखी जाती है। अगर इस स्टेज पे कोई खुदा न खास्ता बेबी में कोई डिफेक्ट हो तो इस अल्ट्रासाउंड में 75% से 85% तक जो है ना पिक किया जा सकता है, और डॉक्टर आपसे मशवरा कर सकता है, आपको बता सकता है, रेडियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, पीडियाट्रिशियन को इन्वॉल्व कर सकता है कि अगर कोई डिफेक्ट है तो उसका जो है क्या इलाज मुमकिन है, अगर इलाज मुमकिन है तो बेबी की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, ये सब चीज़ें डिस्कस करके आप एक अच्छा बरवक्त फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा इस अल्ट्रासाउंड में सर्वाइकल लेंथ भी देखी जाती है, क्योंकि कुछ ख्वातीन में ये मसला होता है प्रीमेच्योर लेबर का, तो अगर उनको स्टिच लगना है तो सर्विक्स पे स्टिच लगाया जा सके। लाइकर की क्वांटिटी देखी जाती है और यूट्राइन ब्लड फ्लो वगैरह ये सब चीज़ देखी जाती है। आखिरी जो अल्ट्रासाउंड है वो 32 से लेके 34 वीक्स में करते हैं। इसमें बच्चे की पोजीशन देखी जाती है कि सीधा है या उल्टा है, प्लेसेंटा की पोजीशन देखी जाती है, बच्चे का वेट एस्टिमेटेड क्या है, और लाइकर की क्या सूरत हाल है, ये सब चीज़ें इस अल्ट्रासाउंड में देखी जाती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी वो ख़त्म हो गई होंगी, और आपको पता चल गया होगा कि आपने कब और कितनी अल्ट्रासाउंड करवानी है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।